हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ध्रुव मोनू। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो गाइस, आज डेट हो गया आपको 18 अप्रैल, सॉरी सॉरी 18 मई। हाँ, 18 मई को हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं और आज बहुत ज्यादा टू मच गर्मी है। हालांकि सुबह में तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। हाँ। फिर हम लोग इमेजिन किए कि दिन भर बस रह जाए। हाँ। लेकिन अभी बज रहा है 11 और 11 बजे हो गया एकदम टिट्टो 2 बजे वाला धूप हो चुका है। अभी बहुत ज्यादा गर्मी है। तो गाइज, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अपने जो 2013 से लेकर 2017 का जर्नी बताया था। हाँ। तो इस बार हम लोग 2017 से लेकर 2021 तक आपको बताने वाले कि हम लोग लाइफ में कैसे क्या हुआ। चलिए, तो ये लव स्टोरी पार्ट 3 है और ये लास्ट पार्ट है। तो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा इस वाले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छे से ब्लॉग वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि हम लोग अल्टरनेट डेज पर ब्लॉग वगैरह डालते ही रहते हैं। हाँ, तो गाइस, फिर शुरुआत होता है कि हमें पेरेंट्स को बताना रहता है, जिसके घर में तो हल्ला हो गया रहता है। हाँ, मेरे यहाँ सब लोग स्कूल टाइम से ही जान जाते हैं कि बात बात हो रही है। तो शादी तक का पता नहीं था, क्योंकि शादी का उस समय हल्ला नहीं था। हाँ। कि ये लोग शादी कर ही लेंगे या करना चाहते हैं ऐसा कुछ भी, क्योंकि हम लोग 8-9 क्लास में थे तो उस समय किसी को लगता नहीं था कि उतने आगे जाएंगे हम लोग। तो फिर जब हम लोग हो गए पूरा कि करना ही है, तो मैं अपने घर में गया बात करने के लिए। मैंने अपने पापा को बताया, फिर हाँ। सब कुछ अच्छे से हो गया था स्टार्टिंग में, कुछ इशू कोई दिक्कत नहीं हुआ था। हाँ, स्टार्टिंग में सब अच्छा चल रहा था। फिर इनके घर से मम्मी पापा और भाई, जो छोटा भाई है इनका, हाँ। वो आया थे। हाँ, इनके घर हम लोग गए थे। हाँ, तुम मतलब थी? मैं नहीं गई थी, मतलब हाँ। वो लोग गए थे इनके घर। उसके बाद हाँ। बात विचार हुआ सारा चीज। हाँ, और ये लगभग कुछ मार्च या जनवरी का टाइम था, मुझे अच्छे से याद है। तो हाँ नवंबर में उस समय तो जैकेट पहने हुए थे ना। हाँ, तो वही जनवरी का टाइम। हाँ, ठंडा खत्म हुआ था। हाँ, विंटर खत्म हुआ था। हाँ, तो नवंबर में ही सबसे स्टार्टिंग में, तो नवंबर में ही बात हो गया था कि नवंबर में ही शादी कर देते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग का जो रिलेशनशिप का एनिवर्सरी वो 22 नवंबर को है। 12 साल हमारे एक बार 22 नवंबर को। हम लोग ऐसा ही सोचे हुए थे कि 2019 के 22 नवंबर की दिन शादी करेंगे। लेकिन एग्जैक्ट उसी वक्त सब वो लॉकडाउन कोरोना वगैरह का केस। हाँ नहीं, पहले क्या हुआ कि 22 नवंबर को फिक्स हो गई थी, मतलब तो पहले मेरी मम्मी ने डेट वगैरह दिखवा दिया, तो 22 नवंबर को कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर 2 जून को हमारी एंगेजमेंट हुई। उसके बाद जैसे कि जनवरी में बात हो गई, फिर 2 जून को एंगेजमेंट हुआ हमारा। तो जैसे ही एंगेजमेंट हुआ, उसके बाद कुछ पता चला कि डेट में कुछ प्रॉब्लम है। तो हाँ, वो डेट हाँ दिन जो ठीक नहीं बैठा था, अच्छा दिन नहीं था, वो बाद में पता चला। हाँ, तो वो 22 नवंबर का दिन तो कैंसिल हो गया। और फिर से हम लोग आ गए मार्च में कि मार्च में होगी शादी। मार्च या अप्रैल में डेट था, 17 मार्च या अप्रैल। हाँ, फिर उस समय इनकी दादी डेट कर गई। हाँ, तो हम लोग का करीबन 2-3 शादी का डेट कैंसिल होता चला जा रहा था। तो हम लोग काफी डर जा रहे थे कि ऐसा क्या हो रहा है भाई। हाँ, काफी मतलब, हाँ, मेरी दादी का डेट हो गया तो फिर मार्च तक हमें रुकना पड़ा, क्योंकि साल जब कम्प्लीट हो जाता है फिर ही कुछ अच्छा काम होता है। तो मार्च तक हम लोग रुक गए और अप्रैल में शायद हमारा डेट लगाया था कि जैसे ही साल पूरा होगा तो अप्रैल में शादी करेंगे, यानी कि 2020 का जो अप्रैल महीना होता है। तो इतने उस समय पूरा लॉकडाउन ये सब। हाँ, पूरा लॉकडाउन हो गया था, बहुत हैवीली लॉकडाउन हो गया था। तो उस वक्त पूरा लॉकडाउन चल रहा था, तो हम लोग का समझ लीजिए कि मंदिर तक स्थिति पहुंच चुका था कि मंदिर में शादी करना पड़ सकता है, या तो फिर इनके घर पे जाके सिर्फ मैं मम्मी पापा लोग। हाँ। बस कोई नहीं, गेस्ट वगैरह कुछ खाना पीना नहीं हुआ, कुछ बराती वराती नहीं। हाँ। क्योंकि माहौल ही पूरा गड़बड़ था उस वक्त। हाँ, और थोड़ा माहौल गर्म टाइप का भी हो गया था काफी। तो हम लोग को था कि अच्छा से करेंगे शादी जब भी करेंगे। हालांकि ये जिद मेरा भी था, मेरा ज्यादा था, क्योंकि जो डेट बार बार कैंसिल हो जा रहा था तो हम लोग उसे डर हो जा रहा था, डर हो जा रहा था कि पता नहीं क्या है, हो पाएगा क्या, लिखा हुआ है डेस्टिनी में क्या है भी कि नहीं। हाँ, लिखा हुआ ये थोड़ा डर, नो डाउट हम लोग का रिलेशनशिप को उस समय 11 साल कम्प्लीट हो चुका था। हाँ। तो 11 साल होने के बाद अगर शादी नहीं होता है तो फिर वो बात तो है, बहुत ज्यादा डर, मुझे खास करके बहुत डर हो गया था। तो मैं तो अंदर से पूरा रेडी हो गई थी कि चलो मंदिर में भी करना होगा तो कर सकते हैं, लेकिन हो जाए शादी, क्योंकि कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर अप्रैल में वैसे ही फुली लॉकडाउन हो गया, तो फिर हम लोगों ने पहले सोचा कि मई जून तक डिले कर देते हैं, बट फिर लगा कि अगर कोरोना नहीं जाता है तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर हम लोगों ने डायरेक्ट सोचा कि सीधे फिर से नवंबर ही ले जाते हैं। हाँ, 2020 का नवंबर। हाँ, 20 का ही बात हो रहा है ना, ये 20 में तो कोरोना आया था ना। तो 2020 के नवंबर में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पता करके, जो पहला लग्न था उस टाइम में डेट नवंबर में, सब हॉल वगैरह सब बुक कर लिए थे। हाँ, हॉल वगैरह तो हमारा मार्च से ही बुक चल रहा था, तो उसे डिले कर करके हम लोग उसके लिए भी जाके हम लोग को एप्लीकेशन देना पड़ रहा था कि अब हम लोग को डेट फॉरवर्ड करना है। हाँ, कैंसिल नहीं करे, क्योंकि होटल वाला से हम लोग पैसा करते नहीं है।
उसके बाद जब इनके मम्मी पापा और भाई जब घर आए थे उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि फर्स्ट टाइम इनके पेरेंट्स मेरे घर आए थे। हाँ, और मैं भी एक्साइटेड तो थी बट मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि उस वक्त वो था हाँ या ना करना है कि नहीं करना है ऐसा कुछ था सिचुएशन। उसके पहले इन्होंने अपने पेरेंट्स से डायरेक्टली बात नहीं किया था तो उस दिन ही बात किया कि मेरे फैमिली से लोग जाने वाले हैं और फिर डायरेक्ट फैमिली की ही बात हुई, हम लोगों की बात उतनी नहीं हुई मतलब फैमिली के बाद जब सब डन हो चुका इनकी मम्मी ने तय किया ठीक है तो फिर हम लोग छेका कर देते हैं जून में। हाँ बिहार हम लोग का बहुत ही अच्छा छेका हुआ था। तो जिन जिन लोगों ने हमारा एंगेजमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर जाकर देख लीजिएगा, हम लोग का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। और हम लोग का बहुत ही अच्छा फिर एंगेजमेंट हुआ था 2 जून को। हम लोग का सबसे बेस्ट पार्ट उस समय तक हम लोग का वही रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग मैचिंग कपड़ा भी पहने थे, सारा कपड़ा का कॉन्सेप्ट इसी का था ब्लू। और उस दिन कोइंसिडेंटली बहुत लोग ब्लू भी पहने, हमारी एंगेजमेंट की पूरी आप लोग वीडियो में देखिएगा पूरा लोग ब्लू में ही थे। पूरी थीम एंगेजमेंट की हमारी ब्लू हो गई, ब्लू और पर्पल मिक्स वाला जो ब्लू होता है वो वाला ब्लू। तो उस दिन हम लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और उस दिन हम लोग हैप्पी भी थे क्योंकि उस समय हमें लग रहा था कि 22 नवंबर को ही हमारी शादी हो जाएगी, उस समय तक डेट में प्रॉब्लम नहीं आया था कुछ। मैं खुद गया था इनका वो एंगेजमेंट रिंग सिलेक्ट करने के लिए, मम्मी के साथ गया था मैं भी गई थी अपनी मम्मी के साथ इनका रिंग लेने। हम लोग उस समय अंगूठी खरीदे थे एक दूसरे के लिए। हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था उस समय की मतलब 11 साल जो है वो मतलब वर्थ ही है, ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो सक्सेस होने वाला है ऐसा कुछ। उस समय तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब आराम से ही चल रहा था, बट जैसे ही वो डेट में प्रॉब्लम आई तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई क्योंकि हमें पता नहीं था कि आगे दादी की भी डेथ हो जाएगी और उसके फिर कोरोना भी आ जाएगा तो बस पूरा डिजास्टर हो गया। हाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस 1 से 1.5 साल के बीच में आ गए थे। पानी देने गया हम लोग का जब डेट कैंसिल हो रहा था तो हम लोग का वैसे डर पड़ता भी जा रहा था, लेकिन जब एंगेजमेंट हुआ तो एक बूस्ट मिला, उसके बाद भी फिर एक और डेट कैंसिल हुआ। फिर हम लोग को लगने लगा कि भाई क्या हो क्या रहा हम लोग होगा भी या नहीं, और बाकी सब चीजें भी हम लोगों ने स्टॉप करके रखी थी जैसे कि यूट्यूब वगैरह उतना हमारा ध्यान नहीं लग पाता था क्योंकि पहले शादी करनी थी। हाँ तो बहुत सारी चीजें स्टॉप हुई हुई थी। तो फिर हम लोग का डेट हुआ फिर से वही 2020 का 22 नवंबर वाला डेट। 22 नवंबर का तो नहीं डेट जो क्या हम लोग करने वाले थे उसमें तो 22 नवंबर तो कैंसिल हो गया था, ये तो 29 नवंबर को हुआ है शादी। तो फिर हम लोग का जो 2019 का 22 नवंबर का डेट कैंसिल हुआ था तो उसके बाद हम लोग का सीधा अप्रैल में डेट रखा है क्योंकि उस बीच में दादी की भी मेरी दादी की भी डेट हो गई थी। तो हम लोग अप्रैल में वो भी मंदिर में होने वाला था, हमको एकदम मन नहीं कर रहा था करने का। मुझे तो पूरा हो गया था कि मंदिर में ही कर ले उतनी जैसे तैसे होने वाला था, तो मुझे एकदम नहीं हो रहा था कि भाई इतना दिन जहाँ पे रुके 10 साल। आप लोग भी पता है अगर आप लोग 10 साल कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं अगर किसी भी चीज में तो आप चाहिएगा कि वहाँ पूरा रिजल्ट आपको मिले, सक्सेसफुल मिले, सही बात अच्छा लगे कुछ। बट ये भी होता है कि आप लोग भी जानते हो कि एंगेजमेंट के बाद बहुत लोग कहते हैं कि ज्यादा गैप नहीं देना चाहिए, तो वो मेरे दिमाग में था क्योंकि बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट होना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि किसी के पास भी सबके पास और काम भी होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं तो उनके पास और काम भी होते हैं, तो मेरी मम्मी का भी ये कहना था कि जल्दी अगर होनी है तो हो जाए फिर बाकी चीजें भी रहती हैं। टेंशन टाइप का बन गया था ये शादी वर्ड जो है वो टेंशन ही लास्ट में बन गया था। उसके बाद हम लोग जो अप्रैल वाला कैंसिल हुआ तो हम लोगों ने फिर से पंडित जी से दिखवा कर इन्होंने इनको मैं हमेशा फोर्स कर दी थी जो भी फर्स्ट लग्न है मेरे पे बहुत प्रेशर हो गया था। तो फिर मैंने खुद पंडित जी से लगभग मैंने सारा काम खुद किया था इस सिचुएशन जो भी था सारा काम तो पंडित जी से मैंने बात किया, बोला उनको कि कोई 2-3 तारीख बताइए अच्छा नवंबर में स्टार्टिंग वाला जो भी जो, जो सबसे पहले हो जाए अक्टूबर सितंबर जो पहले हो जाए। उसके बाद उन्होंने बताया कि नवंबर में ही है 3 डेट 27, 28, 29 तो ऐसे कुछ था। हम लोगों ने फिर 29 का एक छोड़ दिया, हम लोगों ने स्टार्टिंग वाला कि कहीं कुछ हुआ प्रॉब्लम तो चलो बीच वाला ही चुनते हैं 29 वाला 29 नवंबर को हम लोग का फिर जाके शादी हुआ, शादी मतलब शादी का डेट फाइनल हुआ डेट फाइनल हुआ। फिर उस हम लोग को उस दिन तक लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा क्योंकि कोविड चल रहा था, बीच बीच में न्यूज आ रहा था कि लॉकडाउन हो गया मतलब शादी में 50 लोग भी आएंगे। और ये भी है कि मतलब ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए बट एक बार जैसे मेरी दादी का डेथ हो गया तो हम लोग थोड़ा डर रहे थे कि ऐसा कुछ भी ना हमारे साथ हो जाए वरना फैमिली से पोस्टपोन, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि किसी की भी घर में अगर कुछ बुरा हो जाए तो साल भर आपको वेट करना पड़ता है, अगर परिवार में कहीं पे भी कुछ हो जाए और आपके तक आ रहा है तो आपको साल भर तक वेट करना पड़ जाएगा। तो हम लोग पूरा डर गए थे कि अब वैसा कुछ ना हो बस हमारी फैमिली में और अच्छे से शादी हो जाए, और लॉकडाउन का भी डर था इसलिए हम लोगों ने ज्यादा कुछ बुकिंग वगैरह भी नहीं की थी, बस हॉल हमारा बुक था हॉल और बैंड
बैंड भी बुक था, बैंड भी हमारा बुक था। बाकी हम लोग श्योर नहीं थे कि शादी अच्छा से हो पाएगा, इसलिए कुछ हम लोग खाने में भी जो शादी वाले दिन कुछ स्टार्टर वगैरह नहीं रखवाए हम लोगों ने, कुछ भी हम लोग नहीं रख पाए थे। बट अच्छे से हुआ, हम लोग बहुत खुश हुए 29 नवम्बर को, मतलब एक्सपेक्टेशन से बढ़कर हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। जैसे जैसे डेट नजदीक आते गया 29 नवम्बर, हम लोग एक्साइटमेंट बढ़ता गया। उसके बाद हम लोगों ने शॉपिंग करना शुरू किया, उसके बाद मेरा एक से एक वो जो होता है शेरवानी पर दुपट्टा, बहुत ही आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, फिर वो जाके हम लोगों ने खरीदा। उसके बाद में जाके हॉल का फिर जो ड्यूज पेमेंट था वो सब जाके किया। उसके बाद हम लोग, आप लोग भी पता होगा कि हॉल में जो इलेक्ट्रिसिटी जो लिया जाता है उसके लिए पास बनवाना पड़ता है, उसका कुछ अलग चार्ज देना पड़ता है। तो ये सब जो भी एक्स्ट्रा काम था वो सब सब लोड मेरे पे था, तो जाके मैंने सब किया। उसके बाद जिस दिन 29 नवंबर आने वाला था उसके एक दिन पहले हम लोग धक-धक कर रहा था कि चलो भाई अब वो डेट आ गया, बस लग रहा था कुछ भी गड़बड़ ना हो, गड़बड़ ना हो। हालांकि उस दिन तक भी हल्ला था मार्केट में कि इतना लोग से ज्यादा नहीं बुलाना है। हाँ, ये तो कोइंसिडेंस हो ही गया था कि मतलब जिस दिन हमारी शादी थी यानी कि 29 नवंबर को शादी थी, और 29 नवंबर को ही सुबह में मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में आ गया था कि बैंड वगैरह नहीं बजेगा, नहीं बजेगा। बैंड वाले को हम लोगों ने फुल पेमेंट कर चुका था, मतलब 28 तारीख तक कंफर्म था कि बैंड बजेगा, और 29 को ही सुबह में न्यूज आ गया। और 29 को ही कोइंसिडेंसली ये भी हुआ कि रात को 12 बजे फिर अनाउंस करता है वही सरकार जो भी है कि गवर्नमेंट फिर से मतलब आप लोग बैंड बजा करके कर शादी कर सकते हैं। वैसे कुछ नहीं, बहुत हमें अफसोस आया था, लेकिन कोई नहीं, फिर भी जितना भी हो पाया हमको ऑन स्पॉट भांगरा करवा लिए थे। जो फुल लाइट वाला बैंड होता है वो नहीं हो पाया था, वो पैसा आप डूबी गई एक तरह से, क्योंकि आपको मेन जो है रोड पे उतनी भीड़ वगैरह नहीं लगानी, रोड शो आप नहीं कर सकते हैं, तो जो भी बैंड वगैरह था वो इनके घर पे जो भी बजा और उसका सीधा डायरेक्ट हॉल में आके थोड़ा बहुत जो भी हुआ। आप लोगों को तो वीडियो शेयर की ही है, और अभी आगे भी शादी की बहुत सारी वीडियो भी शेयर करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक से एक वीडियो आप लोग देखने के लिए मिलेगा। पहले हम लोगों ने सोचा कि आपको लव स्टोरी शेयर कर दी जिससे कि आप लोग बाकी चीजें भी समझ पाए, तो बहुत ही मुश्किल से एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी शादी हुई, कितने स्ट्रगल्स हमने किए हैं, बस ये जो एक्सप्रेस किया है इससे कहीं ज्यादा किया है, बट उतना एक्सप्रेस करना एक वीडियो में पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे क्या बोलते हैं उसको टफ चीज रहता है पेशेंस का, मतलब जो होता है पेशेंस मेरे में बहुत पेशेंस का कमी है, फिर भी मैंने इस बार रखे हुए था क्योंकि मुझे शादी अच्छे से करना था, क्योंकि शादी वन टाइम चीज आप लोगों को पता है। इतने अच्छे से हमारी शादी हुई तो क्रेडिट इनको जाता है, क्योंकि मैं मंदिर में फुल्ली एग्री हो गई थी, क्योंकि मुझे बस लगभग सारे लोग मेरे घर से भी सब लोग रेडी था मंदिर में करने के लिए, इनके घर से भी रेडी था, बट मैं सिर्फ अगेंस्ट में था कि मंदिर में आई नहीं करना चाहिए, इतना साल हो गया है, जाहिर सी बात है, बट मुझे थोड़ा डर था कि मतलब, और थोड़ी बहुत मतलब सिचुएशन भी गर्मा गर्मी आप लोग तो समझ ही सकते हैं, जिन लोगों ने भी लव मैरिज किया और लास्टली डर बना रहता है कि बस अभी भी बहुत शादी ऐसा हो रहा है जो घर में ही हो जा रहा है, घर के लोगों के बीच में 20-25 लोग जुड़ रहे हैं। हम लोग के पास खुद ऐसा शादी का कार्ड है जो कि हॉल बुकिंग हो चुका है, बट अंत में जाके पता चला कि घर में ही शादी कर ले रहे हैं, ऐसा हो ही जा रहा है, क्योंकि अभी सिचुएशन मतलब खराब है, बट नवंबर में 29 नवंबर तक उतनी खराब नहीं थी, उस समय कुछ ठीक था, कुछ ठीक था। तो हम लोगों ने पूरा हॉल में सैनिटाइजर मास्क वगैरह सब चीज लगा के कर लिया था। फिर मीडिया वाला भी आया था तुम लोग, उस दिन क्योंकि उसी दिन ये अनाउंस हुआ था कि शादी वगैरह में उतना नहीं करना है आपको, और कुछ लोग भी 100 या 150 का ही परमिशन था। मैंने भी अपना करीबन मेरा 400-500 दोस्त होगा, लेकिन मैंने सिर्फ 4-5 को ही बुलाया था जो सबसे क्लोजेस्ट थे, बाकी लोगों को मैंने नहीं बुलाया था, और काफी रिलेटिव भी नहीं आ पाए थे, क्योंकि नो डाउट अगर बुलाने पाते तो भीड़ तो जुटाने में देर लगता नहीं है, रिलेटिव तो सबके उतने बहुत ज्यादा, लेकिन कोविड का केस था, डर था हम लोग को कुछ बढ़ ना जाए, वैसा पता चला हम लोग भी जेल में। ये तो है, सो हम लोगों ने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, बट जितना भी हो पाया हम लोग बहुत अच्छा से किए अपने। कम से कम फिर भी 250 से 300 लोग धीरे धीरे करके आ गए थे, जबकि उतने की भी परमिशन नहीं थी, बट कुछ लोग जा रहे थे तो कुछ लोग वैसा हो जाता है, क्योंकि सब तो एक साथ आपके हॉल में आते नहीं है, और उस समय कोविड उतना नहीं था, और बाकी शादी के बाद भी सब लोग बिल्कुल पूरी तरह से ठीक थे, कुछ भी वैसे इन्फेक्शन वगैरह कुछ फैला कुछ नहीं था, वैसा कुछ नहीं। और हम लोग शादी का सबसे मोस्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग वाला। इसका केस काफी अलग है और काफी इंटरेस्टिंग है वीडियो रिकॉर्डिंग। तुम बताएगी, बताओ। हुआ क्या था कि हम लोग तो कंफर्म थे नहीं कि मतलब शादी होने वाली है उस समय नहीं, और थोड़ी बहुत क्योंकि अमाउंट का भी इशू उस समय हो जाता है, कि लगता है ऐसा कि जो चीजें जरूरी है पहले वो करें, तो पहले हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह कर ली, ट्रॉलीज वगैरह, फिर जो भी ज्वेलरी वगैरह काम था ये सब कर लिया, इनके कपड़े भी कर लिए सब कुछ, तो रिकॉर्डिंग को हम लोगों ने साइड में रखा हुआ था, सोचा था कि मतलब जैसे जैसे डेट नजदीक आएगा तो रिकॉर्डिंग कर लेंगे, बट हुआ क्या कि जितने लोग भी 2019 के कोविड से वेट कर रहे थे सबको शादी कर ली थी उसी दिन, उसी डेट पे मतलब 28 को और 29 को बहुत ज्यादा शादी हुई थी। हम लोगों ने करीबन 20 से 25 दुकान में गया होगा रिकॉर्डिंग वाला, सारा बुक
जहाँ जा रहे हैं और वो भी 29 को नहीं, हम लोगों ने 26 या 25 को ही समझ गए थे हम लोग कि अब तो डेट आ गया है तो रिकॉर्डिंग वाले को फिक्स करना होगा। तो बस हम लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, तो जिसके जिससे हमारी पहचान थी उनके आ गए तो वो ऑलरेडी बुक थे, तो फिर बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। मतलब ऐसा लगा था कि रिकॉर्डिंग वाला फिक्स नहीं हो पाएगा और फोटोग्राफर मतलब दोनों तो हमारे एक ही ने किया है, एक ही जगह से हम दोनों ने दोनों चीज करवाई थी, तो हम ऐसा लगा कि बिल्कुल नहीं। एल्बम शेयर किया ही है, हाँ एल्बम भी शेयर किया है, आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफर दोनों एक ही थे, तो लग गया था कि नहीं हो पाएगा, बट फिर भी ये थोड़ी सी मेरी जीत थी, इनकी भी थी पर मैंने ज्यादा, क्योंकि इनको लगा था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मेरा टेंशन था शादी पे, हाँ इनका था कि मतलब घर के लोग हैं तो वो लोग कर देंगे जितना हो पाएगा, क्योंकि घर में भी आजकल सबके पास फोन होता है तो लोग कर ही देते हैं। और नो डाउट वीडियो रिकॉर्डिंग का बात अलग होता है, अलग होता है मेमोरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हालांकि शादी में यही होता है, यही होता है। तो हम लोगों ने बहुत घूमा, फिर जाके अंत में एक मिला बाइक पे, मतलब शादी के चार दिन पहले हम लोग बाइक पे ढूंढ, मैं और ये बाइक, ये मैं इनके पीछे बैठ के बाइक पे दुकान में रुक रुक कर पूछ रहे थे कि खाली है उस दिन, हाँ ऐसा कुछ। कोइंसिडेंसली हम लोग एक मिला भी जो कि अच्छे से हम लोग को मतलब मतलब होता है ना वो कि ब्लैक में अच्छे से की था, जो भी किया वो बहुत ही अच्छा रिकॉर्डिंग वगैरह हुई थी। और चार्जेस भी उनके मतलब जितना हमारा बजट था, मेरा जितना बजट था उससे कहीं ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, डबल कह सकते हैं, डबल कह सकते हैं, मेरा बजट बहुत ही कम था। उसके बाद भी बट हम लोग अरेंज किए जैसे तैसे, क्योंकि सबसे अच्छी बात थी कि 29 नवंबर को शादी थी तो हमें सिर्फ 29 नवंबर के लिए ही रिकॉर्डिंग चाहिए थी, इसलिए मिल गया था, होने वाला था, उसके बाद कुछ और होने वाला था, तो 3 दिन का प्रोग्राम नहीं था, नहीं था, तो इसलिए हमें रिकॉर्डिंग मिली, क्योंकि वरना बाकी के 3 दिन वो लोग पूरी बिजी थे, 28 को 27 को सब बिजी थे, 29 को वो लोग खाली थे, तो बस ये हो गया कि चलो रिकॉर्डिंग, अच्छी रिकॉर्डिंग हमारी हो गई थी, बहुत ही अच्छी, जो कि आज के डेट में हम लोग के पास है, हाँ, में वीडियो भी है और एल्बम में आप लोग देख लीजिएगा, हाँ, तो एक मेमोरेबल चीज बन गया हम लोग लाइफ में, बहुत ही अच्छा लगता है, हमेशा ही वो हम लोग रखेंगे, पास रहेगा हम लोग के। तो गाइस फिर से बात आता है कपड़े का, तो कपड़ा शुरू होता है इनसे, इसने करीबन कितना, 3,000 लहंगा ली थी ना, 3,000 नहीं, 3 3 लहंगा ही लगती ली थी, हाँ मेरा शुरू से ही, हल्दी पे दूसरा लहंगा पहनेंगे, अरे हल्दी पे नहीं हम बता दें, एक जयमाल पे यानी कि स्टेज पे, दूसरी शादी के टाइम जब फेरे होते हैं और थर्ड विदाई के समय, तीनों टाइम में 3 लहंगा पहने, मैंने 3 लहंगा पहना है, और लहंगे की डिटेल्स मैं कभी और आप लोगों को दूंगी अपने दूसरे चैनल पे, बट हाँ मैंने 3 लहंगा पहना था, और तीन में से 2 तो मेरे पूरी तरह से ऑनलाइन थे और एक मैंने स्टिच करवाया था, मेरा भी कपड़ा यही सिलेक्ट, हाँ इनके हम लोगों ने 2 कपड़े सोचे थे, मतलब मैंने तो चाह रही थी कि 3 ये भी 3 चेंज करें, बट लड़कों को तो हाँ उतना इंटरेस्ट, हाँ लड़कों को उतना इंटरेस्ट होता नहीं है, तो इनके हम लोगों ने 2 हमको दिक्कत रहता है पहन के भाई सब्जी, हाँ चलते हैं, तो मेरे फेलो वाले लहंगे से इनका जो कुर्ता है वो मैच करता है, येलो आप लोग फोटो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, और जो विदाई का लहंगा है वो मेरा ऑरेंज था और उसका दुपट्टा भी येलो था, तो वो भी इनके कुर्ते के साथ मैच कर गया था। तो ड्रेस वगैरह तो हम लोगों ने पहले ही करवा ही लिया था, इनका तो स्टिच करवाया था, हमने खरीदा नहीं था, और मेरा भी मतलब सेम ही स्टिच खरीदा था, फिर उसे स्टिच करवाया था, तो लहंगे वगैरह तो हो गए थे। उसके बाद फिर शादी का दिन जैसे जैसे नजदीक आया था, हम लोग अभी भी थोड़ा कंफ्यूज थे कि मतलब कैसे होगा, पैसे बेकार ना जाए, क्योंकि पेमेंट सब लोग फुल मांग रहे थे, क्योंकि सबको पता होता है कि हो सकता है लॉकडाउन हो जाए तो ये इस लोग ज्यादा पैसे लेने लगते हैं, हॉल वाला को तो डील था यही कि आप जब तक पूरे पेमेंट नहीं कीजिएगा हॉल में एंट्री नहीं मिलेगा, हाँ। ये एक बड़ा इशू हो गया था, हाँ ये भी बहुत ही बड़ा इशू हो गया था, बट सब कुछ परफेक्ट हो गया अंत में जाके, हाँ। अब शादी के दिन कैसा फील हो रहा था ये बताओ, आई वाज फुली एक्साइटेड, मुझे तो बस डर लग रहा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तक शादी हो ना जाए तब तक नहीं हुई, भगवान हो जाए। उसके बाद हम लोग शादी के दिन में खुद के शादी के दिन हम लोग खाना नहीं खाए, हाँ। मतलब हम लोग इतना ज्यादा नहीं, हाँ। थोड़ा थोड़ा खा पाए, इन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया था, मैंने तो खाया था, मतलब हमारे यहाँ तो चलता है नहीं, वो नहीं, तो हम लोग शादी में खाना, रात वाला शादी वाला दिन भर, हाँ नहीं दिन भर तो हम भूखे थे, दिन भर ये मार चपाती खाई हुई थी, मैंने तो 1 टाइम खाया था राइस और दाल वगैरह जो कि दोपहर में, पूरा भरदम खाई थी, भरदम नहीं आराम से ही खाए थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि अभी मुझे तो ना बहुत काम करना, खाने जाएगा था, मेहंदी वेहंदी लगाए हुए थे पूरा एकदम, तो इन्होंने उसके बाद सुबह में चार दिन मैं कंटिन्यू घर में रहा था, हाँ ये भी बहुत बड़ी बात, सुबह में पार्लर गए वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत ये सब कराए थे, फेशियल हम लाइफ में फर्स्ट टाइम फेशियल कराए थे, हाँ मैंने भी लाइफ में फर्स्ट टाइम फेशियल, क्योंकि मैं तो ऐसे करते रहती हूँ मतलब घर में फेस पैक वगैरह, बट ये तो वो भी नहीं करते, बट मैं घर पे करती हूँ, पार्लर में मैंने भी फर्स्ट टाइम ही करवाया था, मजा आया, हाँ मजा तो आया, फर्स्ट टाइम भी था, हाँ खुद से करने में वो रिलैक्सेशन नहीं होता है जितना कि दूसरे के करने से होता है, ये तो है, हाँ हाँ। तो गाइस फिर 29 नवंबर को सुबह से सारा शुरुआत हो गया था, पैकिंग वगैरह जो भी जाना रहता है वो, उसके बाद मैं तो चले गया था सुबह सुबह पार्लर, 11 बजे आया था, उसके बाद
ये तो शाम में से वही कपड़ा वपड़ा रेडी वेडी करके पहनना शुरू हो गया था। और मेरे यहाँ तो हल्दी जो है वो एक दिन पहले ही हुई थी, मतलब दो तीन दिन पहले नहीं हुई थी, एक दिन पहले ही हुई थी। तो उसकी रिकॉर्डिंग तो नॉर्मल फोन्स में है बस। हमको उस दिन इसका भी डर था कि काजल नॉर्मली हम लोग देखते हैं दूल्हा लोग भी जो होता है उन लोगों को मोटा मोटा काजल, तो ये तो मेरे को पहले से बोल चुकी थी कि काजल मोटा मत लगा के आना। तो इसलिए मैंने अपने भाभी लगाई थी तो हम उनको बोल दिए थे पतला लगाने के लिए, तो काजल मेरा बहुत पतला सा था, बहुत अच्छा था। एक भी पटाखा हम लोग नहीं फोड़ पाए थे क्योंकि बाहर कुछ करना नहीं था, लेकिन डांस हुआ भरपूर। डांस बहुत ज्यादा, भांगड़ा पे डांस बहुत अच्छा हुआ। और उस दिन डीजे पे भी डांस, डीजे पे भी डांस हुआ, हम दोनों ने भी डांस किया था। हाँ था, 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 था डांस। हम लोग शेयर करेंगे वीडियो। उस दिन एक और चीज हुआ जो कि मतलब समझ लीजिए कि मेरा मूड पूरा ऑफ हो गया था। हाँ। मेरा एंगेजमेंट वाला रिंग खो गया था, रिंग खो गया था। मतलब समझ लीजिए कि जैसे ही मुझे पता चला कि रिंग नहीं है, मतलब मेरा होशो आवाज उड़ गया भाई कि कहाँ गया कहाँ गिरा। मैं अपने घर में पूरा बोला भैया लोग को, सब लोगों ने ढूंढा बट नहीं मिला। फिर जब गाड़ी से निकला हॉल पहुंचा तब तक मैं परेशान था, जाहिर सी बात है क्योंकि मेरा एंगेजमेंट का रिंग था वो। उसके बाद स्टेज पे पहुंचा, इसको बताया, फिर हुआ कि मैं मामी बताई, तुम बताई नहीं मामी। हाँ, मेरी मामी बोली कि देखिए मतलब कहीं अपने पास ही हो, आपके पास और जो भी पैकेट वगैरह है, तो जो बंडी मैंने पहना हुआ था उसके पैकेट में था। उसके बाद जैसे मुझे वो मिला तो मैं जान में जान आया, चलो भाई मिल गया एंगेजमेंट का रिंग। तो मैं तब तक बहुत ही ज्यादा परेशान था, रिंग मिला फिर जाके मैं जान में जाया, फिर मैं खुश टाइप का होना शुरू हुआ। फिर डीजे पे डांस वगैरह किए, मैं तो शुरू से ही नर्वस थी पूरा कि पता नहीं क्या होने वाला है। और सुबह में मेरी स्टार्टिंग ऐसी हुई थी कि एक दिन पहले से हल्दी स्टार्ट हुई थी, फिर सुबह हुआ तो सुबह में कार आने वाला था और फिर हम लोग डायरेक्ट हॉल में जाने वाले थे, फिर वहां पे ही जो सुबह से पूजा वगैरह होती है वो सब होने वाली थी। तो फिर कार 9 से 10 बजे तक आया, फिर मम्मी लोग गई, मैं पहले नहीं गई थी, और फिर 12 या 1 बजे वहाँ खाना बनना भी स्टार्ट हो गया था। हॉल देखकर तुम चौंक गई थी। हाँ, हॉल का डेकोरेशन था, हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। स्टेज भी बहुत ही अच्छा आप लोगों ने देखा। उसके बाद था कि दो तरह का चेयर होता है, आप लोग भी पता होगा स्टेज पर, दो सिंगल सिंगल होता है और एक ज्वाइंट वाला होता है। तो हम लोग साथ हो गया कि हॉल वाले ने बताया नहीं था कि सिंगल सिंगल है। हाँ। तो उसके बाद फिर अचानक से पता चला कि सिंगल सिंगल वाला है, तो फिर हम लोगों ने बोला नहीं हम लोग को ये नहीं चाहिए, हम लोग को सिंगल वाला चाहिए जो ज्वाइंट वाला। हाँ, तो उसके बाद फोन किया जब ऑनर को हॉल का, तो उसने कहा उसका अलग से आपको चार्ज लगेगा। भाई तो मेरे को पहले बताना चाहिए था, बट हम लोग को तो करना था, हम लोग बोले ठीक है कीजिए उसको भाई करिए। फिर उसने सामने ऑन स्पॉट मंगवाया वो चेयर, उसके बाद जाके हम लोग उस पे आराम से बैठे, फील लिए, काफी अच्छा लग रहा था। फिर मैं तो पार्लर में ही गई थी रेडी होने के लिए, तो पार्लर में भी मतलब हम लोगों की चैट थोड़ा बहुत चल रही थी। पहले हम लोग जब छोटे थे, मतलब छोटे या 10th 9th में थे, तो हम लोग सोचा करते थे कि हम लोग एक दो महीने पहले ही बात करना बंद कर देंगे, उस टाइम भी बात नहीं करें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने लास्ट मोमेंट तक हम लोग की बात होता चला गया, बात करना हमारी बहुत जरूरी थी, वरना कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एक तो ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ चुके थे, तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते थे। तो बस मैं पार्लर में थी उस समय भी, मेरी इनसे बात हो रही थी, मतलब मैं पार्लर में रेडी हो रही थी और ये भी नहाकर उस समय रेडी हो रहे थे, तो इन्होंने अपनी पिक भी मुझे शायद शेयर की। तुम भी रही थी, तुम उस समय मैं मेकअप करवा रही थी, फेस मास्क लगा हुआ था, उस समय मैं मेकअप कर रही थी, तो मैंने भेज दिया था। और फिर इन लोगों की उसके बाद फिर मुझे थोड़ा टाइम, मतलब लेट हो गया था, मेरे यहाँ जो भी पूजा वगैरह होती है हीरोइन तो लेट से आती है, आपको पता ही है। हाँ हाँ सही, हम आगे वेट कर रहे हैं कार में। हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने निकलने से पहले मुझे बता दिया था कि हम लोग निकलेंगे, बट मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी ये लोग पहुंच जाएंगे। मतलब ये लोग पहुंच गए थे, मैं पार्लर में ही बैठी हुई थी, मतलब रेडी हो चुकी थी। हाँ, फिर पहले मतलब पहले इनका कार आया हुआ था, फिर मेरा कार पीछे से आया, तो इन्होंने अपना कार आगे करवा लिया था। उसके बाद ये एंट्री ली अंदर, फिर मैं अंदर गया, जो भी मुझसे में पूजा वगैरह होता है, हाँ, स्वागत होता है। उसके बाद जो अंदर गए, उसके बाद ही आई उधर से, फिर गाना बजा, फिर हम लोग देख रहे थे ये तो ड्रीम है भाई, सच में हमारा जो भी ड्रीम था ना बिल्कुल एकदम सच हो रहा था। ऐसा फील हो रहा था कि मतलब अनएक्सपेक्टेबल था बिल्कुल। तो फिर उसके बाद गाइस जब मैं पहुंचा तो ठीक, उसके आधा एक घंटे के बाद मेरा जो भी जो दोस्त को बुलाया था, मैंने 5-6 स्कूल दोस्त थे, कॉलेज का दोस्त था, कोचिंग का दोस्त, मतलब वही ज्यादा नहीं बुलाया था, मैक्सिमम मेरा दोस्त 8-9 था, सॉरी 5-6 नहीं 8-9 था। तो सब आके मुझे वही जो भी थोड़ा बहुत चिल्लाना विकाना मतलब वो हो रहा था। फिर मेरा 2-3 दोस्त लोग भरपूर डांस किया, बहुत डांस, इन लोगों ने बहुत डांस, इन्होंने भी बहुत सा डांस किया, हमको नचाया पूरा। मेरा तो ड्रीम था कि जो मेरा दूल्हा हो मतलब वो डांस करे शादी के लिए, बहुत डांस किया था इन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इनफैक्ट हम दोनों ने ही डांस किया। जैसे हम लोग जयमाल के चेयर पे बैठे, सामने ढेर सारा कैमरा खुला, हम लोग देख के दंग एकदम,
बहुत सारे कैमरा खुला था, मोबाइल तो खुला हुआ था नो डाउट, मतलब हर दम मोबाइल खुला हुआ था, बहुत सारे कैमरा भी बहुत था और लाइटिंग भी था, कैमरा वाले जो हम लोग किए थे पैसा लिया हालांकि उन लोगों ने, बट बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया, लाइट अपना खुद का लिया था उन लोग, तो फोटो बहुत अच्छा है, बाकी जो लोग फोन से फोटो ले रहे थे उनका भी लाइट के कारण बहुत ही अच्छा फोटो आया था। और मुझे भी मतलब मेरा जो पूरा आउटफिट वगैरह है ये सब बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, बट हाँ मेकअप मुझे मेरा बिल्कुल पसंद नहीं आया था, ये भी मैं बता दूं कि जिस पार्लर से मैंने मेकअप करवाया था मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेकअप मैं भी अच्छा खासा मतलब कर लेती हूँ, तो चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कांचा ट्यूटोरियल्स अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं अच्छा खासा मेकअप कर लेती, तो जाहिर है जब आपको मेकअप थोड़ा बहुत आता है तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ी हाई हो जाती है, बट मतलब मुझे पता नहीं चला, और मतलब मैंने पूछा नहीं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज करने वाले हो ये सब कुछ, तो वैसे मेकअप उन्होंने ठीक ठाक किया था, बट जितना मैंने सोचा था उतना अच्छा नहीं, उस तरह का कुछ खास मेकअप नहीं होता, नॉर्मल चार्ज की थी उसके अकॉर्डिंग भी, उसके अकॉर्डिंग भी उतना उतना, बट हालांकि उस दिन तो शादी था तो मूड ऑफ क्यों करना, मूड ऑफ क्यों करना, और हम लोग ये भी रिस्क नहीं ले सकते थे कि खुद से मेकअप करना शादी वाले दिन, एंगेजमेंट में खुद से की थी, एंगेजमेंट मैंने खुद से अपना मेकअप किया था और मैं काफी अच्छी लग रही थी, मुझे ज्यादा मेकअप पसंद नहीं है, सिंपली ही अच्छा लगता है। हाँ तो मेकअप तो मैं यही बोल रही थी कि मतलब ये तो सही है कि शादी के दिन कभी भी खुद से मेकअप करने का, अगर आप बहुत ज्यादा प्रो है तभी रिस्क लीजिए, क्योंकि एक वैसा डे भी होता है कि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई भी थी, क्योंकि सारे अरेंजमेंट्स हम दोनों ही कर रहे थे मतलब, और जो भी घर में लोग हैं मेरे यहाँ बहुत कम लोग हैं तो उतना हो नहीं पाता है, तो थकी हुई थी, तो अच्छा ही मैं वैसे मैं खुश हूँ कि मैंने किसी और से करवाया, खुद से मैं उतना कर नहीं पाती उस दिन, बट हाँ मेकअप से मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं थी, बट हाँ बाकी सब चीजें जो मेरी थी इतनी अच्छी लग रही थी कि सब कुछ अच्छे से कंबाइन हो गया था और लुक बहुत ही अच्छा आया था, मैं तो बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ इनको तो हम भी दिन खुद को फील कर रहे थे यार, अच्छा लग रहा था। हाँ फिर कैसा फील हुआ था जब हम आ रहे थे रेडी होकर, पूरा सॉफ्ट है भाई यार, वही स्कूल वाली है। हाँ ऐसा हो जाता है क्योंकि वो याद आ रहा था सारा पल, वो 11 साल याद आ रहा था अच्छा से कि क्या क्या हम लोग झेले हैं, सच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल हम लोगों ने देखे हैं, आखिर वो दिन जब उस दिन आया, आज तो हालांकि 6 महीना हो चुका, 6 महीना नहीं 6 महीना हो जाएगा, 6 महीना हो जाएगा, बट एकदम नहीं लगता है मुझे, बिल्कुल फील नहीं होता, लगता बस कल की ही बात है, हम लोगों ने बीच में ये जो डिस्टेंस गैपिंग जो क्या होता है हम लोग कभी जाने ही नहीं है। अभी भी हम लोग बिल्कुल सेम है, जैसे शादी के पहले बातें करते जिस तरह के भी थे बिल्कुल अभी भी वैसे ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, हम लोग कभी कभी रात में वो चैट वगैरह भी करते हैं, हाँ बात भी कर लेते हैं कभी कभार, अब तो फोन उतना यूज नहीं होता, मतलब पहले तो हम लोग मतलब एक दिन में 24 घंटे में से आराम से 15 से 12 घंटे हम लोग फोन पे चैट ही करते थे और कॉल्स वगैरह किया करते थे, बहुत बात करते थे, बहुत मच बात करते थे, गैप मतलब हमारे पास और कोई काम नहीं होता था, बस कोई काम करके आप फोन लेते हैं, बात करते थे, बस बात ही करते थे और कुछ नहीं करते थे, ये तो है। उसके बाद फिर शादी हुआ, सारा मंत्र वंत पढ़ा जा रहा था साथ, मेरे लिए शादी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हालांकि वही था, मेरे लिए साथ फेरा वाला, मंगल सूत्र वाला, खोलना वाला, तो जब वो सफल हो रहा था सिंदूर दान वाला, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकता, मतलब अजीब फील हो रहा था सच में, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, और सबसे ज्यादा जब वो रस्म उसके बाद सात वचन जो वचन, हाँ मैंने पहले से इनको बोल के रखा था कि सब अच्छे से सुनने के लिए, क्योंकि सब फॉलो करना है, तो हम लोगों ने काफी अच्छे से सुना था, बहुत ही अच्छा, पहला बार कोई शादी में रात भर जागे, हाँ मैंने तो कम से कम मेरे घर में जितना भी शादी हुई किसी शादी में नहीं जागे रहा, नहीं मैंने कम से कम 10 से 12 शादियां देखी, हम कोई शादी देखे ही नहीं थी इससे पहले पूरा, हालांकि तो मेरा खुद का शादी था तो जागना तो जागना ही था ना, सोने से कैसे जागे जाता, उसके बाद हम लोगों ने पूरा शादी मतलब अच्छे से हुआ हम लोग का, बहुत ही अच्छे से हुआ, जब सुबह 4:30 बज गया तो बाकी जो रस्म होता है वो होना शुरू हुआ, फिर 5:30 बजे से विदाई सर, 5:30 में हो गई थी विदाई, बट उसके पहले वो जो द्वार छिकाई वगैरह का रस्म था तो इन्होंने मेरे लिए गाना भी गाया था जिसका मैं लिरिक्स भूल गया था, उसके बाद फिर द्वार छिकाई का जो रहता है जूता जूता छुपाई की जो भी, नो डाउट पैसा इसमें भी देना ही रहता है, जाहिर सी बात है, नहीं तो जूता नहीं मिलता है, हाँ तो मेरी कोई बहन नहीं है, भाई नहीं थे तो भाइयों ने ही मेरे दरवाजा छिका था, जो भी होता है फिर उनको हाँ पैसे मिले थे, और फिर नॉर्मली विदाई हो गई थी, और उसके बाद मतलब मुझे सुकून आया था कि चलो ठीक है, मतलब अब हो गई फाइनली शादी, अब कोई बहुत ज्यादा हम लोग रिलैक्स फील करते हैं, रिलैक्स बहुत ज्यादा, क्योंकि 2-3 साल हम लोग इतना डिस्टर्ब रहे कि मतलब सिर्फ शादी को लेकर शादी को मतलब सब चीज चौपट हो गया, चौपट क्या वर्ड है, चौपट वर्ड आप लोग कह सकते हैं, सब कुछ ठप हो गया था, ठप हो गया था, यूट्यूब में मन नहीं लगना, मतलब उसके बाद कोई भी काम उस तरह से हम लोग नहीं कर पा रहे थे, इम्पैक्ट से
कोई मिलता भी था फ्रेंड्स वगैरह या कोई, तो कब कर रहे हो शादी, कब कर रहे हो शादी, सारा सारा एक ही, हर जगह एक ही सवाल था। और अब क्योंकि नो डाउट भाई हम लोग को जो ये जो रिलेशनशिप का जो मतलब था क्वांटिटी है जो 10 साल 12 साल बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो सब पूछते रहते थे कि कब करें। और ये भी है कि पहले लोग सोचते थे नहीं करें, नहीं तो नहीं पूछते थे, लेकिन जैसे ही आप कमिटमेंट कर देते हो कि हाँ शादी करने वाले हैं, तो लोगों को लगता है कि देखते हैं जरा कब तो ये करेगा, कैसे, हाँ, करेगा। कैसे करेगा। तो हम लोग उन लोग मतलब बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग टाल रहे हैं, क्योंकि रीजन ही ऐसे थे, पहले मेरे यहाँ मतलब दादी का डेथ हो गया, फिर कोरोना, फिर वो डेट अच्छा नहीं, तो बहुत लोगों को लगता है कि ये बहाने वगैरह है, ऐसा दूसरों को लगता है। तो फिर हाँ 29 नवंबर 2020 आया, लाइट चली गई, उसके बाद फिर नो डाउट 29 नवंबर 2020 को हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया, हम लोगों ने शादी कर ली थी। हाँ। और फिर आज के डेट में फुली रिलैक्स्ड हैं, कोई सवाल सवाल जवाब नहीं आता है कब करेगा शादी, कब करेगा वो। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग दोनों साथ में रहते हैं, कोई अलग करने या कुछ भी वैसे तो किसी भी तरह का डर भी नहीं हम लोग को, क्योंकि हम लोग का हम लोग का जो शुरुआत जब हम लोग का हुआ था, हम लोग का उसी वक्त ये कमिटमेंट था कि शादी ही करेंगे। 8th 9th में ही हम लोगों ने मतलब कमिटमेंट कर दिया था कि शादी कर, क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल उस समय मुझे इतना तो सेंस था ही कि मैं किसी के साथ भी नहीं घूम लूंगी, घूम के फिर छोड़ देना, वो सब मेरा कुछ वैसा नहीं था। शादी मेरे साथ भी वैसा ही था, शादी धोखा नहीं देना है, जाइए फिर शादी। और फिर लोग जितने जानते गए, लोग मतलब हमारी लाइफ में शामिल होते गए, जितना इन्वॉल्व होते जाएंगे, हाँ, सारा लोग इंटरेस्ट लेंगे, अगर हाँ, आपको उस इम्पैक्ट से देख रहे हैं तो आपको वैसे जज करेंगे, जज करेंगे, किसी भूमकड़ी कर रहा है, हाँ, सबके जजमेंट जो नेचर होता है उसको गलत साबित भी करना था, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। वैसे तो ये साइज का रीजन है, बट ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने मतलब ये सोचा था कि नहीं नहीं करेंगे, इतना सक्सेस नहीं होता है, मतलब लव लाइफ के बारे में तो लोग बोलते ही है कि उतना सक्सेस नहीं होता है वगैरह, या इवन शादी के बाद भी आप लोगों को पता ही होगा कि लव मैरिज पे लोग या फिर ना लाइफ टाइम टिकी रहती है। कभी मतलब दो तीन लोग कभी बोला था जहाँ जहाँ जाते थे, हाँ, कि अरे भाई हम लोग भी देखे हैं 6-7 साल जिसका चलता है, हाँ, जरूरी नहीं होता कि उसका शादी होनी जाता है, लेकिन है। हम लोग ऐसा कहना है भाई अगर आप सोचे हुए हैं, एकदम प्रण ठाने हुए हैं कि भाई करना है तो करना है, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। मेरा खुद ही यही था कि मतलब यही है कि आपका सिचुएशन कुछ और होगा, या तो मंदिर में होगा या तो कोर्ट में होगा, लेकिन अगर अगर आप चाहते हो, अगर कोशिश पूरी तरह से वही वाली लाइन है कि अगर क्या था सारी कायनात, हाँ, वो अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात, हाँ, तो ये लाइन बिल्कुल मुझे फील होता है कि अपने लाइफ में मेरी लाइन ये सच होती है, मुझे ये बिल्कुल फील होता है, क्योंकि मैंने एक पल के लिए भी 9th 10th के बाद 9th 12th एक पल भी नहीं सोचा नहीं करने का इनसे शादी, मेरे दिमाग में कभी भी ये चीज नहीं, हमेशा मेरी जिद थी कि करना तो इन्हीं से है। हम लोगों ने जो किया हुआ था डिसीजन जो लिया हुआ था, हाँ, वो फिक्स था, एकदम की करना, फिक्स तो करना है। तो अब किस तरह से करना है, कैसे मनाना है, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, और हालांकि ये चीज तो सिचुएशंस पे डिपेंड है कि क्या माहौल रहेगा, हाँ, किस कंडीशन में जाके शादी करते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारी बहुत इजीली हो गई, पेरेंट्स तुरंत मान गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर कास्ट आपके अंदर है तो थोड़ा प्रॉब्लम होना ही है, आधा प्रॉब्लम तो वहीं शुरू हो जाएगा, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है, दिल्ली हो, मुंबई हो, जहाँ पे भी हो, उसके बाद अगर अगर स्टेबल नहीं है, हाँ, फाइनेंशियली क्या है, हाँ, ये सब वो सब अगर सब देखा जाए तो प्रॉब्लम नो डाउट इनफिनिटी आ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स लड़के के हो या लड़की के हो, उनको हर चीज सही चाहिए होती है, क्योंकि अपने बच्चों के बारे में हर लोग अच्छा हो, हाँ, कास्ट भी सेम हो, लड़का कुछ बड़े पोस्ट पे भी हो, पैसे वाले घर भी हो, घर वाले भी हो, मतलब सब कुछ, नहीं पीटे नहीं, सब कुछ, मतलब सब कुछ बहुत सारा टीएनसी होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसके बाद ही जाके एक अच्छा सक्सेसफुल शादी होता है, हाँ, बट ऐसा हम लोगों ने जितना एफर्ट लगाया हम लोगों ने अपने लव मैरिज को सक्सेसफुल करने में, हाँ, नो डाउट उतना प्रॉब्लम आना था भी आया भी, हाँ, लेकिन हम लोग उसे टैकल करके अच्छे से निकले और पार कर लिए अच्छे से, चाहिए बहुत अच्छे से पार किया हम लोगों ने। लव मैरिज में ऐसा ही होता है कि आप मतलब प्यार हो जाता है, फिर बाकी चीजें बाद में दिखती हैं, ऐसे अरेंज मैरिज में है कि पहले बाकी चीजें दिखती हैं, कितने भाई हैं, क्या फैमिली है, लड़की वाले क्या हैं, हाँ, लड़की के पापा क्या करते हैं, ये सब कुछ, लेकिन लव मैरिज में तो आप लोग को पता है कि ऐसा कुछ नहीं, पहले आपको लड़का पसंद आता है, फिर बाकी चीजें आपको बाद में, या लड़की पसंद आती है फिर बाकी चीजें बाद में पता चलती हैं। बट हमारी कुछ भी टर्म एंड कंडीशन नहीं थी, हम दोनों की एक दूसरे के फैमिली से कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं थी, बट एक दूसरे, हाँ, बट फैमिलीज को कुछ कंडीशंस होती हैं, ये वो ये प्रॉब्लम हो जाती है, बट हाँ हमने सब टैकल कर लिया और आज तो शादी हो चुकी है। लेकिन आज के डेट में अगर मजा इतना आ भी रहा है या फिर इतना अच्छा लगता है, हाँ, तो उसका बहुत बड़ा रीजन है हम लोग का स्ट्रगल, हाँ, अगर उतना स्ट्रगल करके ये चीज अचीव नहीं करते तो शायद इतना अच्छा नहीं लग रहा है। मान लीजिए कि हम लोग सीधा बताते हैं, सबसे डन हो जाता है, एक अच्छा सा हॉल रिसोर्ट बुक होता है और अच्छे से शादी हो जाता अगर, तो उतना शायद हम लोग को जब भी कोई चीज मिलती है। लेकिन हम लोग का जो जर्नी शुरू हुआ 2009 से, उसके बाद क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हम लोग
मतलब संघर्ष करते गए उसके बाद आज के डेट में जाके अगर इस चीज को अचीव किए हैं तब जाके हमें इतना रियलाइज होता है, इसको फील कर पाते हैं, अच्छा लगता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ज्यादा ये बात। और हम लोग जो दोस्त लोग जो बोलते थे कि नहीं नहीं तुम लोग का हो जाएगा, तुम लोग का है रियल लव है, तो आज वो लोग भी प्राउडली कहते हैं कि भाई ये लोग रियल लव। ज्यादा लोग नहीं थे, जैसे क्वांटिटी रेशियो कम है अच्छे लोगों का। मेरे साइड से वैसा कोई भी नहीं था, मैं आपको फाइनल साफ भी बताती हूँ कि कोई भी फ्रेंड सर्कल वगैरह मतलब कोई चाहता ही नहीं था। मेरे पता नहीं, से दो तीन दोस्त लोग थे जो बोलते थे इनके फ्रेंड थे, क्योंकि लड़कों और लड़कियों फ्रेंड्स में काफी अंतर होता है, ये सबको पता है कि लड़कियां खुद आपस में ही जेलसी होती रहती हैं, लड़कों में वैसा नहीं होता है, खासकर कि अभी के टाइम में बहुत कम लड़कियां भी फ्रेंड्स होती हैं बट काफी कम होती है। तो फ्रेंडशिप के मामले में मेरा कुछ वैसा आप कह सकते हैं रिकॉर्ड अच्छा वैसा नहीं रहा, मेरी कोई भी फ्रेंड उतनी अच्छी नहीं बन पाई है, मेरा फ्रेंड सर्कल उतना नहीं है, बस मतलब बस हम ज्यादा टाइम मैंने नहीं किया है। हम लोग फ्रेंडशिप डे के दिन भी एक दूसरे को बैंड बांधते थे, बैंड बांधते थे, क्योंकि भी हम लोग एक दूसरे के सबसे बीएफएफ थे। हाँ, पहले तो हम लोग फ्रेंड ही हैं, आप लोगों को फील भी आ ही जाता होगा कि हस्बैंड वाइफ हम लोग मतलब बाद में, पहले फ्रेंड्स ही हैं, ऐसा हम लोग ने एक दूसरे का बहुत ज्यादा हेल्प भी किया। इसने मुझे जैसे कि पढ़ाई में हेल्प करता था, फिर मैं भी इसे जहाँ मान लीजिए ड्रॉप करना रहता था, ड्रॉप वगैरह करना रहा, कहीं जाना रहता, कोई सामान इसको मंगवाना रहता था, ये सब चीजें में बहुत हेल्प किया है। तो काफी अच्छा जर्नी रहा हम लोग का ये 12 साल। हालांकि ये 12 साल तो 22 नवंबर को पूरा हो जाएगा 12 साल, 29 मई को हम लोग का शादी का 6 महीना हो जाएगा। हाँ, शादी के 6 महीने हो जाएगा। हाँ, तो काफी अच्छा जर्नी रहा हम लोग का। ये तो है, अगर आप चाहते हैं करना किसी से तो मतलब थोड़ा सा अपना जो डिसीजन है उसको सिर्फ स्ट्रिक्टली पकड़ के रखिए कि हाँ करना है, ऐसा नहीं कि हाँ मतलब कुछ भी गलत काम कर लीजिए, वो हम लोग कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, हमारे पेरेंट्स मतलब मेरे खासकर की इनके तो सही था इनका, क्योंकि ये लड़का भी है और इनके घर में उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे यहाँ लोग राजी नहीं थे, बट ये नहीं था कि मुझे पकड़ के किसी और से करवा दिया जाएगा, ऐसा मेरा घर नहीं था। हाँ, मुझे ये था कि रुक जाऊंगी मैं, इतना था कि नहीं करना है मतलब किसी से नहीं करना, लास्ट में जब खुद पेरेंट्स बोलेंगे अब कर लो भाई 30 साल की हो गए 35 साल की हो गए तो फिर इन्हीं का नाम आना है, करना है तो उसी से कर दो वरना मैं नहीं करूंगी, मैंने यही सोच के रखा था। लेकिन इजीली नहीं कहेंगे, मतलब सब मान गए, सही टाइम पे सब मान गए, सब कुछ सही टाइम पे ही होता है ये तो सब जानते हैं, तो समय था समय तो सब मान गए। हाँ, ये तो समय है। पर ही सब चीज होता भी है, हाँ। तभी जाके हम लोग इतना परफेक्ट हो पाया है। हाँ, बस आपको सबके बारे में अच्छा सोचना है, लेकिन हाँ अपना जो डिसीजन है उस पर स्ट्रिक्टली रहना है, पहले जज कर लीजिए कि आपने जिसको भी पसंद किया है वो सच में। डेट में भी हम लोग से बहुत दोस्त लोग जो है वो पूछते हैं कि भाई तुम लोग कर लिया कैसे हुआ, कैसे गए। हम लोग किसी को भी गलत मशवरा या फिर गलत राय नहीं देते हैं कि भाग जाओ फिर भाग के कर लो, ऐसा कुछ भी हम लोग का माइंड में नहीं आया तो फिर हम लोग दूसरे को ये सजेस्ट भी नहीं करते हैं। बस रुकिए, यही कहेंगे कि थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए और अपना जो भी डिसीजन है वो मतलब अटल बनाए रहिए, ये नहीं कि बदल गए हैं। और जो डिसीजन है उसको आप अपने एक बार जज कर लीजिए कि आपने जो भी पार्टनर चुना है वो सही है या नहीं, ताकि कल हो के आप अपने पेरेंट्स से फाइट कर पाए कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ ना, ये ऐसे नहीं निकले वो वैसे नहीं निकले, ये आप कर पाए। क्योंकि अगर आपका गलत डिसीजन रहेगा तो सब लोग आपको मना करेंगे, और बाद में भी अगर आप कुछ कर लेते हैं शादी वगैरह कर लेते हैं तो बाद में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो डिसीजन अपना हमेशा देख के चलिए, बाकी पैसे वगैरह पोस्ट वगैरह ये सब तो आते जाते रहते हैं, आपके हाथ में, आगे भी आप सब कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा जिसमें वो परफेक्ट परिपूर्ण हो चुके हैं कि हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं या बता रहे हैं, हम लोग बस अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो अगर आपको इसमें से अगर हेल्प मिल जाता है तो आप लोग यूज कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम लोग शादी की बहुत सारी वीडियो शेयर करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ब्लॉग्स नॉर्मल तो आना स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।